चेन्नई से कन्याकुमारी की मेरी जो ये ट्रिप है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है और मेरे पैसे भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। सो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन पे। मेरे पास कुछ थोड़े मोड़े पैसे बचे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि रास्ते में केरला भी है, गोवा भी है, तो एक या दो दिन शायद मैं वहाँ पे स्पेंड कर सकता हूँ जितने पैसे मेरे पास जो बचे हैं। तो देखते हैं, अभी मैं स्टेशन पे पहुँचता हूँ, वहाँ जाके प्लान करेंगे। अभी फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है, बस मैं चल रहा हूँ स्टेशन पे, जा रहा हूँ, देखते हैं कहाँ का प्लान बनता है। जहाँ का भी प्लान बनेगा वहाँ से हम हमारा व्लॉग कंटिन्यू करेंगे और कन्याकुमारी को अलविदा। फिर से कभी आने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली आऊँगा। बहुत मज़ा आया ये तमिलनाडु के ट्रिप में। मैंने ये ट्रिप में इतना इडली सांभर ये सब जो खाया है, ये मेरा फेवरेट है। इडली सांभर मेरा मुंबई में सबसे फेवरेट ब्रेकफास्ट हुआ करता था, पर मेरे को लगता है मुंबई जाने के बाद एक या दो महीने के लिए मैं इडली सांभर तो खाने नहीं वाला हूँ भाई। डेली बेसिस पे खा रहा था मैं यहाँ पे, मज़ा भी आया। देखते अभी आगे की जर्नी कैसे रहेगी। ये आ गया कन्याकुमारी का रेलवे स्टेशन। अभी अंदर जाके डिसाइड करते हैं, बैठते थोड़ा पानी पीते और डिसाइड करते जाना कहाँ है। घंटे की लंबी ट्रेन की जर्नी के बाद मैं पहुंच चुका हूं पिरनिम नाम के एक छोटे से स्टेशन पे। सो अभी मैं यहां से जा रहा हूं अरंबोल नाम की जगह पे। वैसे तो मैं गोवा बहुत 5 से 7 बार आ चुका हूं, पर हमेशा बागा, पंजी, कलंगूट इन्हीं जगहों पे ज़्यादा करके एक्सप्लोर किया है, तो ये पहली बार है जहाँ पर मैं कोई अलग जगह पर जा रहा हूँ। वैसे अरंबोल भी अंजुना और बागा से ज़्यादा दूर नहीं है, पर मैंने सोचा चलो इस बार वहीं पे एक छोटा सा सस्ता एक हॉस्टल मैंने देखा है, वहाँ पे जाके मैं देखूँगा कैसा है। अगर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा तो और एक दो दिन और स्पेंड करेंगे वहाँ पे। वैसे यहाँ से ये जो स्टेशन है, यहाँ से अरंबोल ज़्यादा दूर नहीं है, 16 से 15 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। क्या सर? चलो भाई, तो ये जो ट्रेन है वो जा रही है, बाय बाय। मैं जब कन्याकुमारी में था तब मेरे पास कोई भी ऐसी कंफर्म टिकट नहीं थी, पर ये ट्रेन के अंदर मैंने ऐसी नॉर्मल एक टिकट लिया और ये ट्रेन पूरी खाली थी, कोई था ही नहीं। मतलब जो केरला वाला जो रूट था उसमें तो जो नज़ारे देखने मिले भाई, काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारे थे। होपफुली नेक्स्ट टाइम मैं केरला भी जाऊंगा। थोड़ा सा मेरा बजट का प्रॉब्लम था इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं गोवा चले जाता हूँ। कर्नाटका और केरला का एक अलग से प्लान करूँगा तो फिर उसमें भी मज़ा आएगा। अभी ये ट्रेन जा रही है, अलविदा। बहुत ही ज़्यादा छोटा स्टेशन है भाई, ये ट्रेन थी करके इतने लोग दिख रहे, वरना ये ट्रेन नहीं रहती तो ज़्यादा इतने लोग होते भी नहीं शायद से। अभी मुझे यहाँ से बाहर जाना है। कुछ लोकल्स भी है जो कि बाइक से पूछ रहे थे कि जाना है कि नहीं, पर मैं आगे जाके एक जो लोकल बस रहता है वो पकड़ के जाऊँगा। मेन हाईवे से मिल जाएगा मेरे को बस, ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं तो शायद से 30 से 40 रुपये में पहुँच जाऊँगा। यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि अभी सीज़न नहीं है तो शायद बस नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ जब तक बस नहीं आती तब तक अगर थोड़ा हिच हाइकिंग कर लेंगे तो चले जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम मेरे को वेट करना पसंद नहीं है। देखते अगर कोई लिफ्ट देगा तो मैं चले जाऊँगा। 16 किलोमीटर ही है यार, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, और अभी फ़िलहाल मैं थक चुका हूँ। हिच हाइकिंग करने का ऐसा मूड तो नहीं था, पर अभी देखो बस है नहीं तो फिर कर लेते। ये रास्ते पर शायद मैं पहले आ चुका हूँ ऐसा लग रहा है। सीधा रास्ता है, अंदर से एक टर्न आता है
वहाँ से अरम्बोल का रास्ता आता है। यहाँ आते ही ये वाला ब्रेकफास्ट, मिर्ची है, पाव है। थोड़ा बहुत चाय नाश्ता कर लिया, अभी देखते अगर कोई लिफ्ट देगा तो अच्छा है। लिफ्ट तो नहीं मिली और बस भी एक घंटे बाद है, तो मैंने चलना स्टार्ट कर दिया है। अगर कोई लिफ्ट बीच में मिल गई तो रुक के पहुंच जाएंगे। गूगल दिखा रहा है कि आधे घंटे का रास्ता है, चल के तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पर बाइक मिल गई तो आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। और फ़िलहाल ये छोटे से गांव टाइप में आ गया अभी फ़िलहाल, अभी देखते अगर कोई छोड़ देगा तो। चलते यूँ ही चलते 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 बहुत ज़्यादा ही चल लिया मैंने, पर आगे सिर्फ जंगल जंगल है और मैं अकेला हूँ। ये रास्ता अरम्बोल ही जा रहा है ना? हाँ, अरम्बोल जा रहा हूँ मैं। बस आएगा, मैं रुका था बस स्टॉप पे, दे टोल्ड मी दैट इट विल कम इन 12 बजे आएगा वो। हाँ, इसलिए मैं सोचा इसी चले जाता हूँ, यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आते नहीं है। वो अरम्बोल में आता है, अरम्बोल में आता है ना। आप कितना किलोमीटर जाओगे? थोड़ा अभी बाकी है। ओके ओके, जब तक आगे कौन मिला तो उसको। ठीक है ठीक है, वहाँ बस आगे मिलेगा। 12 बजे कदम्बा आएगा। अच्छा, कहाँ पे आप डोंगर पे रहते हो अंकल? पानी भरता है मेरा। अच्छा, लगेगा तो पूरा पानी भरता है। ओके, पूरा घर है ऊपर पानी। आपके फैमिली में कौन कौन है? बहुत है। हाँ, बहुत है। हमारा मरगांव में मरगांव का घर, घर हमारा किधर? ये आपका घर है? आगे से जाएंगे, पीछे से जाएंगे। ओके, सो अंकल ने मुझे लिफ्ट दी थी और अंकल के घर पे आज गणपति आया, तो उन्होंने बोला कि आके जरा गणपति के दर्शन भी कर लो, तो उन्होंने अभी मेरे को अपने घर के इधर लेके आया। थैंक यू अंकल। ये छोटा सा एक घर है, ये जगह का नाम क्या है अंकल? ये पेरने में है ना? पेरने में घर। अच्छा, सो दिस इज अंकल का छोटा सा घर। उन्होंने मेरे को बोला कि आओ और घर पे जरा देख लो। ये थोड़ा लेके जा रहे हैं। दिस इज योर हाउस? ओके, हेलो। गोवा के छोटे से घर के अंदर आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे आगे नज़ारा ऐसा है। हेलो। सब लोग घूर घूर के देख रहे हैं। छोटा गणपति है। सो देखो, ये भी एक चीज एक्सपीरियंस हो गई, चलते चलते ही बीच में अंकल मिल गए। हेलो एवरीबॉडी। माय नेम इज जितेश। नहीं नहीं कुछ नहीं। मैंने सोचा था वहां से बस ले लेता हूँ, पर बस नहीं मिली तो मैंने सोचा लिफ्ट ले लेता हूँ। और लिफ्ट लेके देखो मैं कहाँ पे आ गया, एकदम ही अनएक्सपेक्टेड था। मेरा हिचहाइकिंग करने का कोई प्लान नहीं था, मैं सिर्फ सोच रहा था कि चलो ज़्यादा दूर नहीं है मेरा हॉस्टल, 16 किलोमीटर ही है, तो मैं लिफ्ट ले लेता हूँ। लिफ्ट लेते लेते बीच में अंकल मिल गए, उन्होंने लिफ्ट दे दिया। अभी उनके घर पे आके हम गणपति के दर्शन कर रहे हैं। मैं खाऊंगा नहीं ज़्यादा, मैं भगवान खाने का। और काफ़ी अच्छा डेकोरेशन ऊपर किया है अंकल ने पूरा घर का।
गोवा में भी एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया मेरा, मज़ा आ रहा है। और फिलहाल यहाँ पे ये अंकल ने लाके मुझे दिया है कुछ खाने के लिए, बस 5-10 मिनट में अभी निकल जाएंगे। सो ये मैंने थोड़ा खाया, अंकल ने बोला कि प्रसाद है पूरा खाओ, अभी मेरे को ये वाला पूरा खाना पड़ेगा। ये दोनों तो खा नहीं पाऊँगा पर ये पूरा खाना पड़ेगा। जितेश YouTube चैनल है मेरा, मैड सर्वाइवर। ये आपने पूरा डेकोरेशन किया? हमारा भाई है और दो तीन लोगों ने सब किया। अच्छा, नाइस, अच्छा लगा। मैं मिस कर दिया था, मुंबई में नहीं था तो गणपति मिस कर दिया। यहाँ पे देखो, मतलब जो चीज़ होनी है वो होके रहती है। तो यहाँ पे हाँ, मैं मुंबई से आया, मैं आरंबोल जा रहा हूँ। अच्छा, ज़्यादा हो जाएगा तो डेफिनेटली होपफुली कल या परसों आऊँगा तो आके जाऊँगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप कोंकणी बोलते हो, मराठी बोलते हो क्या? मराठी भी आता है, कोंकणी मराठी भी आता है। चलो भाई, चलो, अच्छा लगा देख के अंकल। आपका घर भी काफ़ी ब्यूटीफुल है, फुल हरियाली के आजू बाजू। ये किचन है आपका? हाँ, ये किचन है, हम इधर पानी बिजली गर्म करते हैं। ओके ओके, छोटा सा एक किचन टाइप है जहाँ से हमने एंट्री किया था और अभी यहाँ से हम बाहर जा रहे हैं। ये भी हमारा ही घर है। ये आपका ही घर है? ओके। चाय भी पियान चल। चलो बाय बाय। हाँ, टाइम मिलेगा तो आओ। हाँ, मैं कल शायद देखता हूँ, अगर टाइम मिला तो आऊँगा। ठीक है, आरती को आऊँगा। चलो बाय। यहाँ पे मेन रास्ता है और सीधा सीधा हमको जाना है। वो रास्ता पूरा जंगल ही जंगल टाइप है, ये गांव टाइप है थोड़ा सा। और फिर से मैंने वॉकिंग करना स्टार्ट कर दिया है। ऐसे गांव के अंदर से हिचहाइकिंग करने का मज़ा ही एक अलग है। जब लोकल्स मिलते हैं वो लोग एक्चुअल अपनी बात बताते तो मज़ा आता है थोड़ा। हाउ मच किलोमीटर यू आर गोइंग? मेबी 1 किलोमीटर। ओके, आई कैन कम, थैंक यू। योर नेम? इगोर। ओके, थैंक यू। Thank you. Your name? Gerix. Okay, thanks Gerix. डायरेक्ट तुम्हारे हॉस्टल पे तक हम आपको पहुंचाएंगे। फिलहाल गूगल मैप्स पे मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ और वो मेरे को आगे छोड़ रहे हैं। वो
बहुत थक गया हूँ अभी, चेकिंग करने का भी मूड नहीं है, बस हॉस्टल में जाके रेस्ट करना है। थैंक यू बाय, योर फ्रेंड इज लेफ्ट बिहाइंड। चलो थैंक यू सो मच। हाँ फाइनली आ गए भाई यहाँ से, देखते अभी अपना हॉस्टल ढूंढते, फ्रेश होके फिर बात करेंगे। बहुत थक गया भाई इतना ट्रैवल करने के बाद भी चाहिए, क्योंकि दिस इज इट हॉस्टल।